ନମସ୍କାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓମ୍ ବାବା ଓମ୍ ବାବା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଦୁଇ ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିସାରିଲେଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ କରିବେ ବିଗ୍ ବସ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଦାରାସିଂଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଆଉ ସେପଟେ କହିଲେଣି ପୁରୀରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ମଠକୁ କିଏ ହାତ ଲଗାଇଲା ସେ ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ତ୍ରିଶୂଳ ଧରାଇକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଯିବେ ଇଏ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମେ ସୋ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ଓମ୍ ବାବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଓମ୍ ବାବା ଯେଉଁ ଦାବି କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ରାଟ आज भी तंत्र को लेकिन अनेक आम मन अनेक उत्सुकता अच्छी प्रकृत रुई हजार उन्ईस मसीह तंत्र कथार किसी रेले कि प्रकृत तंत्र मंत्र य सब कथार किसी मान्यता रही कि जिते बारे तंत्र को आम गोटे अंधविश्वास कह चु से ओम बाबा भाई लोक हजार हजार फलोअर्स को लेकिन निज तंत्र साधनार कथा विषय कहते सहित आलोचना आज आपको न्यूज सेवेन में स्वागत है जय जगन्नाथ ये प्योरली मेरा आपका जो आलोचना है आज आप तंत्र सम्राट खुद को कहते हैं तंत्रों को लेकर बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन आप जानते हैं तंत्रों को हम अंधविश्वास मानते हैं देखिए मैं तंत्र सम्राट को बढ़ावा क्यों कर रहे हैं आप देखिए तंत्र सम्राट मैं नहीं कहता हूं खुद को मुझे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे पुतिन कहते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं इंदिरा गांधी को मैंने आधा तांत्रिक बना दिया था राजनारायण को मैंने तांत्रिक बना दिया था चौधरी चरण सिंह को मैंने तांत्रिक बना दिया था मोरारजी भाई को मैंने तांत्रिक बना दिया था जयप्रकाश नारायण को मैंने आधा तांत्रिक बना दिया था तंत्र जो है हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है तंत्रे शक्ति कलो युगे। युग में देखिए कल्याण के दो मार्ग हैं आगम और निगम तो आगम कहते हैं तंत्र को और निगम कहते हैं वेद को वेद जो है वो शक्तिशाली होता है सतयुग त्रेता द्वापर में और तंत्र शक्तिशाली होता है कलयुग में इसीलिए कहा गया है तंत्र शक्ति ही और तंत्र में तंत्र जो है वो साइंटिफिक क्रियाएं हैं प्रकृति के ताकत को कंट्रोल करके उससे आपकी इच्छित जो कामनाएं हैं वो उसको पूरी की जाती है जिसमें सटकर्म आता है छह प्रकार के मोह आते हैं मत्स्य मदिरा मांस मैथुन ये ये सब उसमें इस्तेमाल होता है और वशीकरण उच्चाटन इस तरह से मारन ये सब आप वसीकरण के बात करेंगे इसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे आप क्या मुझे बस कर सकते हैं ऐसा है कि देखिए तंत्र का जो निर्माण हुआ था वो मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ था मोक्ष के लिए जब साधक लोग जंगल में जाते थे तो तरह तरह के राक्षस लोग जानवर लोग उनको डिस्टर्ब करते थे तो उनको वस में करके तंत्र के मार्ग पर वो निर्विघ्नतापूर्वक मोक्ष के प्रति तरफ वो बढ़ते थे और जहाँ तक वशीकरण का सवाल है आप ये देखिए इतिहास गवाह है आप आपको वो सारा गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे आपको मिल जाएगा उदाहरण के तौर पे इंदिरा गांधी को 1977 में पूरे वर्ल्ड के तांत्रिकों ने और ज्योतिषियों ने ये कह दिया था प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की रही ये एक ग्राम पंचायत की मुखिया भी नहीं बन सकती पूरी ज़िंदगी में भविष्य में मैंने उस वक्त और ये कहते हुए इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह जो उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था मैं दिल्ली में एक मौर्या सिलेटन फाइव स्टार होटल है वहाँ पे मोरारजी भाई जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्नीस की बात है उनके उनकी शादी थी तो राजनारायण चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर मुरारजी भाई ये सारे के साथ साथ थे जनता दल बना था जेपी जो के आंदोलन के जनता पार्टी के लोग सारे वहाँ पर थे लेकिन और वहीं पर एक कांग्रेसी नेता की बेटी की भी शादी थी तो कांग्रेसी नेता की बेटी जगजीवन राम के साथ चले गए थे जो कांग्रेसी नेता था उसको हमने से उठा करके इंदिरा जी के कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा बता दीजिए तो सुन लीजिए तो बाबू जगजीवर नाम भी थे वहाँ पे तो इंदिरा जी को वो आमंत्रित करने इंदिरा जी को मैंने एक चीज़ कहा हुआ था कि किसी भी लड़की की शादी हो तो आप ज़रूर जाया कीजिए बाकी और चीज़ में जाएँ ना जाएँ क्योंकि तो हम लड़, लड़कियों की हम पूजा करते हैं मैं देवी का भक्त हूँ इंदिरा जी के पास में वो गया तो इंदिरा जी ने कहा कि भाई आप तो मेरे विरोधी हैं जगजीवर नाम के साथ मिल करके आपने मेरी पार्टी को ख़त्म कर दी हम नहीं जाएंगे तो फिर उन्होंने तो उन मैंने इमरजेंसी का मैंने विरोध किया था तो उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था मैं जेपी जयप्रकाश जे, जे, जे नारायण मेरे शिष्य थे उनको ए, उनके साथ मिलकर के हमने तख्ता पलट किया था और आप ये देखिए मतलब आप अपने शिष्यों को लेकर भी पार्टी बदला बदली करते रहते हैं कभी लिए कभी इंदिरा को शिष्य बना लेते कभी जेपी को बना लेते कभी इसको सत्ता में बिठा देते कभी उससे बिठा देते मेरे लिए सबसे पहले है मेरा पर्सनल रिलेशन बात तंत्र का रिलेवस प्रैक्टिकली नहीं है ये आपको मानना ने, पड़ेगा ने, क्योंकि ने, हमारे कानून ने, भी है मैं बिल्कुल नहीं मान सकता उसका वजह यह है कि कानून को तो गोली मारिए आपने तो एक मिनट एक मिनट रावण ने तंत्र की शक्ति से पूरे वर्ल्ड को सभी देवी देवताओं को अपने अधीन कर लिया था ये आपने इतिहास में भी पढ़ा है और उसने चूंकि तंत्र का दुरुपयोग किया था तो उसके दुरुपयोग के वजह से क्योंकि तंत्र का जो के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव हैं और वो शिव भक्त था और भगवान शिव का जो बनाया हुआ तंत्र है उसका दुरुपयोग मिस करके उसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा किया था तो भगवान शिव ने उस वक्त उसके बाद उन्होंने ये श्राप दे दिया कि कोई भी तांत्रिक अपने लिए तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा जनहित के लिए करेगा इसीलिए हम अपने लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते अब सुन लीजिए मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए तो वहाँ पे कहानी सुनाकर तंत्र कहानी के लिए विश्वास आप पैदा नहीं कर रहे हैं तो हानि नहीं कह रहा हूँ मैं ये सारा रिकॉर्ड में है उसके बाद वहाँ पर उस फाइव स्टार होटल में हम लोग थे राजनारायण ने इंदिरा जी के ऊपर में ते वो सेंट छिड़कते हुए गलत कमेंट किया तो इंदिरा जी के आंख में आंसू के बूंद छलके तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भले ही इंदिरा जी का घर छोड़ चुका था लेकिन इंदिरा जी के प्रति मेरे मन में सम्मान था मैं उनको माँ की तरह प्यार करता था बचपन से मैं उनके साथ रहा तो मैंने उसी वक्त मुरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर चंद्रशेखर जनता पार्टी इन सबको मैंने कहा कि आप लोगों को अहंकार हो गया है और मुझे अहंकार पसंद नहीं है जिस इंदिरा गांधी के आंख से आपने आंसू निकाल दिया है उसी इंदिरा गांधी के आंसू से आपकी पार्टी बह जाएगी मैं आपकी सर पार्टी को तोड़ दूँगा आपकी सरकार गिरा दूंगा और इंदिरा गांधी की सरकार को मैं ये चौदह जनवरी दो हज़ार सॉरी उन्नीस सौ अस्सी को हम इंदिरा गांधी को तीन सौ पचास सीटों से बहुमत से हम सत्ता में लेकर के आएंगे उस वक्त पत्रकारों ने पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चला कि स्वामी ओम जी का बकवास उसका, उसका कुछ रिकॉर्ड है सारा 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 आपको उसमें मिल जाएगा पी में सब रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड है सुन लीजिए और वही हुआ चौदह जनवरी दो सॉरी उन्नीस में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी शपथ ग्रहण समारोह अशोका हॉल में राष्ट्रपति भवन में हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद इंदिरा जी ने मज़ाक में पत्रकारों को कहा कि स्वामी ओम जी की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई इन्होंने दो दो तीन सौ पचास कहा था तो लेकिन हमारे पास तो तीन सौ इक्यावन सीट आ गया तो इनकी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैंने उसी वक्त जो प्रो टर्म स्पीकर थे उनको और राष्ट्रपति के, के जो सचिव थे उनको हमने कहा कि एक लेटर हेड दीजिए मैंने इंदिरा जी से उस पर लिखवाया कि चिकमगलूर सीट से वो रिजाइन दे रही है दो सीट से जीती थी वो चिकमगलूर से और रायबरेली से।, से तो जब वो रिजाइन दे दिया तो मैंने पत्रकारों से कहा कि अब आप एक चीज़ बताइए कि मेरी भविष्यवाणी झूठी हुई या इंदिरा जी की बात झूठी होगी मजाक में मैंने कहा तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात भविष्यवाणी सच हो गई क्योंकि दो तो सीट पर तो आप रह नहीं सकते एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा तो ये चमत्कार पूरे वर्ल्ड ने देखा उसके बाद नहीं हमने पढ़ा नहीं है चमत्कार के बाद आप, ऐसा है कि इसके ऊपर में उस समय का माया मैगजीन मनोहर कहानियाँ इलेस्ट्रेटेड वीकली इंडिया टुडे ये सारे मैगजीन में कवर स्टोरी है मेरा फोटो इंदिरा जी का फोटो कवर स्टोरी आप, आप रखे अपने पास हाँ मैंने रखा है दे, दिखा देंगे कभी मैं दिखा दूंगा उसके बाद नहीं नहीं मैं मैं तंत्र का चमत्कार बता रहा हूँ उससे पहले 1978 सौ अठहत्तर में अमेरिका ने एक सैटेलाइट छोड़ा था उपग्रह जो आकाश में जाकर के खराब हो गया था और उसके कई टुकड़े डिफरेंट देशों में गिरने वाले थे उसमें से एक टुकड़ा भारत में भी गिरने वाला था वैज्ञानिकों ने अमेरिका में कॉन्फ्रेंस किया जिमी काटर मेरे से, से थे वो उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उन्होंने कहा कि हमारे बस का अब है नहीं इस, इसको कंट्रोल करना इससे तो विनाश होगा तो इंडिया में तांत्रिक सम्राट स्वामी ओम जी रहते हैं मोरारजी भाई को अपील किया उन लोगों ने मीडिया के माध्यम से मीडिया में है वो तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो कम से कम और किसी देश को बचाए ना बचाए कम से कम भारत को बचा लें मोरारजी भाई ने मुझे कहा तो, तो मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइव स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अनाउंस किया कि मैं गारंटी देता हूँ कि वो जो सेटेलाइट है उसको मैं ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में गिराऊंगा किसी दूसरे देश में मैं उसका टुकड़ा नहीं गिरने दूंगा मैंने डेट और टाइम उस वक्त अनाउंस कर दिया था और वो जो स्काईलेब उपग्रह था वो सचमुच उसी डेट में और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में गिरा ये पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड में है वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ठीक है तो मुझे एक आप, आपकी सहायता चाहिए मुझे नहीं इसरो को भी चाहिए वो जो चंद्रायन से उसका जो विक्रम का संपर्क टूट गया है ना करा दीजिए संपर्क कुछ तो तंत्र का महिमा देखा दीजिए ऐसा है, है हम भी देख ले सुनिए ऐसा है कि इसमें मैं आपको दो घटना बता रहा हूँ जो तंत्र का जहाँ पर उपयोग किया गया जहाँ पर तंत्र का उपयोग नहीं किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल एप अब एप अब कलाम राष्ट्रपति थे आज उनका राष्ट्रपति नहीं थे अच्छा वो सिर्फ साइंटिस्ट थे अच्छा पोखरण के बाद बता रहे हाँ अच्छा तो ए पी अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है हाँ, इसलिए बताया सुन तो लीजिए तो ए, 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 ए पी जे अब्दुल कलाम मेरे पास में दिल्ली में मिलने के लिए आए मेरे अच्छे भक्त उनको मैंने इतने अंदर से हिंदू बना दिया था तो उनको मैंने आकाश मार्ग से भगवान ने भगवान शिव ने उनको आकाश मार्ग से मेरा तो खाली हाथ था उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरुजी मैं कई बार मैं वाजपेयी जी से मिल चुका हूँ लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसके लिए इजाज़त नहीं देते हैं तो भगवान शिव ने वो अचानक मेरे साथ करते हैं आकाश में, में मेरा हाथ उठ जाता है और कोई ना कोई चीज़ मेरे हाथ में आ जाता है जो मैं जिसके लिए आता है उसको हम दे देते हैं तो उनके अभी लिए, अभी पॉसिबल है क्या नहीं नहीं वो तो अभी तो मैं बात कर रहा करू ना अभी भगवान शिव ने थोड़ी उठाया तो मेरी चाहने से तो होता नहीं तो, ए, तो मेरा हाथ आकाश में उठा एक मुख्य रुद्राक्ष मेरे हाथ में आया जबकि वो मुसलमान थे उनको मैंने दिया मैंने कहा अभी आप ये लेकर के जाइए जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा जब वो वाजपेयी जी से मिलने के लिए गए तो उनके हाथ में ही वो रुद्राक्ष था तो वाजपेयी जी ने कहा कि आपने मुट्ठी को बंद कर रखा है गुस्से में उन्होंने कहा गुस्से में नहीं बंद कर रखा है जब उन्होंने मुट्ठी खोला तो देखा उसमें एक मुख्य रुद्राक्ष था तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं समझ गया आप स्वामी ओम जी के पास से आए हैं और आप जब वहाँ से चले हैं तभी से मेरे मन में आ रहा था कि आप जब कभी मिलेंगे तो आपको पोखरण का परीक्षण करने का मैं आपको इजाज़त दे दूँगा और मैं आपको इजाज़त देता हूँ और ये तो हुआ तंत्र का सरुपयोग क्योंकि भगवान शिव की कृपा से वो रुद्राक्ष उनको हमने दिया ये जो अभी जो चंद्रयान टू की आप बात कर रहे हैं चंद्रयान टू के लिए मैंने प्रधानमंत्री को भी कहा था और इसरे चेर, इसरो चेयरमैन को भी कहा था कि मुझे इसमें बाधा नज़र आ रही है आप मैंने प्रधानमंत्री से ये कहा कि आप और इसरो चेयरमैन दोनों मिल के मुझे संकल्प दीजिए मैं तंत्र विधि से मैं कामाख्या के स्मशान में जा के मैं अनुष्ठान कर दूंगा जिससे कि आपका जो ये अभियान है वो सफल हो जाएगा तो जो वो जो इसरो चेयरमैन है उसने कहा कि हम साइंटिस्ट हैं हम सब बातों को नहीं मानते मैंने कहा बाद में तुम पछताओगे वही हुआ प्रधानमंत्री जी को इस बात का आज भी दुख है प्रधानमंत्री ने मुझे मना नहीं किया उन्होंने हाँ भी नहीं किया लेकिन इसरो चेयरमैन के, के अब, के अब के आप ये मत कीजिए कि आपके परामर्श से ही वो राफेल के नीचे लींबू को रखा गया वो वो बात आप नहीं कहेंगे तो नहीं ये बात मैं कहूँगा इसीलिए इसीलिए कहूंगा क्योंकि मैं राजनाथ जी से मैं तंत्र की पूजा कराता हूँ और वो तो परामर्श भी आपने दिया था सुन तो, तो लीजिए कभी कह दीजिए राजनाथ जी प्रेस में भी ये बोल दें ऐसा है कि वो सरकार की अपने मजबूरी होती है सरकार को गोपनीयता बरतनी होती है तो संविधान में का खाते हैं से राफेल के नीचे, के नीचे रखा गया वो बात तो बता सकते हैं प्रेस में तो बाबा के बात में सच्चाई हो तो हम मान लेंगे ऐसा है अभी आपने आपके यहाँ जो डिबेट चल रहा था उसमें हमने आपको एक श्लोक सुनाया था कि गोपनीयंग गोपनीय गोपनीयंग प्रयत्नता है भगवान शिव का आदेश है उसको हमको सिक्रेसी मेंटेन करना होता है हमने जब उस जिस वक्त उनको हमने ये नींबू दिया अभिमंत्रित करके फ्रांस तो जाने से पहले ओ, तो ये इंडिया से नींबू लेकर गए, थे, से गए आपके थे आपके पास ये बकवास है कि वहाँ से उन्होंने खरीदा था ये यहाँ से लेकर के गए थे अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से तो वो उस वक्त हमने उनको यही कहा था कि ये बात आप कहीं लीक नहीं करेंगे मेरा पर्पस ये था कि फर्स्ट राफेल लिया जा रहा है तो वो उस डील में उसकी उसको रिसीव करने में कोई बाधा ना आए और जब कभी दुश्मन देश पर राफेल से अटैक किया जाए तो वो देश बर्बाद हो जाए उस पर्पज़ से हमने उसको सिद्ध करके दिया था आप ये देखिए मैं तो लोगों का भला चाहता हूँ अब लोग उसका सदुपयोग करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है नहीं सदुपयोग करते हैं दुरुपयोग करते हैं तो चलिए आप ये नींबू के बारे में बताना चाहते थे या फिर मैंने कह दिया इसलिए आपने ये कहानी बना दी ऐसा है कि सुनिए सुनिए मैं बताना नहीं चाहता था उसका वजह यह है कि हमारे यहाँ गोपनीयता बढ़ती बर, जाती है और ये नहीं मुझे नहीं एक मिनट ये सच है यदि ये, ये मुझे बताना होता तो राफेल के समय ही मैं बयान देता लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया तो वहाँ पर तंत्र में ये भी है कि आप झूठ नहीं बोल सकते मैं झूठ नहीं बोल सकता अच्छा। तो इसलिए हमको ये आपको बताना पड़ा है ये बात मैंने किसी बता हम आपके को बताया मान, मान नहीं, नहीं सकते मुझे उससे फर्क नहीं, नहीं पड़ता पर सस्त तो सच है आप ये देखिए यहाँ पर लाइट जल रहा है आपके चेहरे पे पर प्रकाश पड़ रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आपके बात की सचाई दिखाई नहीं दे रहा तंत्र गुप्त है तो गुप्त चीजें कहाँ से दिखाई देगी आपको लेकिन परिणाम तो आपको दिखाई दे रहा है ना ये ऐसा नींबू तंत्र हमने किया है आगे क्या करने वाले एक बात बता दीजिए मैं आगे क्या करने वाले एक बात बता दीजिए इससे मुझे मुझे भी मेरा जो शक है वो दूर हो जाएगा देखिए हाँ, मैं बिल्कुल करने वाला हूँ एक घोषणा आज कर दीजिए पीओ के हमारे कब्जे में आने वाला है पाकिस्तान हमारे कब्जे में आने वाला है अजीत दवा जी कह रहे हैं सुनिए अजीत थोड़ी अजीत तांत्रिक नहीं है मैं तांत्रिक हूँ कब आ रहा है टाइम और तो समय बता दीजिए अगर वो इस टाइम में हो जाएगा सुनिए सुनिए जिस वक्त मुझे प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम युद्ध करने जा रहे हैं और पाकिस्तान हमको कब्जे में लेना है पीए को कब्जे में लेना है उस वक्त मैं वो तंत्र शक्ति जो हमारे तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनको मैं कोई चीज़ बना करके दूंगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मैं बना करके दूंगा और उसके बाद आप देखेंगे आप जैसे दावा कर रहे थे कि मैं रला पर टाइम बता दिया महीना बता दिया आप इंदिरा जी के नंबर बता दिए जो जो कितने सीट से जीतने वाली है इससे आप बता मैंने बता बताया सुनिए ये सेकंड सब मैंने नहीं बताया था ये कुदरती मेरे मुंह से निकला था जो मैंने कुदरत भी ऐसे आपके मुंह से निकल वो कुदरत ने निकाल लिया ना कि पाकिस्तान पीओके खत्म हो जाएगा हमारा कब जब प्रधानमंत्री जाएंगे भाई ये तो प्रधानमंत्री का जोरिस्ट है राष्ट्रपति का जो मेरा नहीं है आप दक्षिणाचार्य फिर आचार्य मैं दक्षिणाचार्य हूँ दक्षिण मार्गी हूँ मैं मैं मांस मदिरा वगैरह से मैं दूर रहता हूँ ये जो वामाचार होता है अघोर मार्ग होता है उसमें पंचमकार का इस्तेमाल जो होता है वो डायरेक्ट होता है मांस खाते हैं मदिरा पीते हैं मैथुन करते हैं सेक्स करते हैं लेकिन लेकिन बलि देते हैं लेकिन मैं चूंकि दक्षिण मार्गी हूँ मैं मांस के बदले में उरद को उबाल करके उसका माँ को उसको मांस के मंत्र से अभिमानित करके प्रसाद के रूप में मैं वो खाता हूँ शराब के बदले में उसको शराब वाले मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं गंगाजल पीता हूँ गंगाजल को अभिमंत्रित करता हूँ बलि जहाँ नरवली का विधान है वहाँ नर को बलि देने के बदले में हम नारियल की बलि देते हैं पेठा का बलि देते हैं केले का बलि देते हैं तो सबका एक विकल्प है और सुनिए दूसरा एक बहुत साइंटिफिक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात मैं बता रहा हूँ मुझे बोलना नहीं चाहिए बेटी के सामने बोलना पड़ रहा है लेकिन लेकिन चूँकि वो अश्लील शब्द नहीं है जो सेक्स जो तांत्रिक करते हैं साधना के दौरान सा, ये साधना के पक्ष में आ, आता है उसमें हम फिजिकल सेक्स नहीं करके इंटरनल सेक्स करते हैं इंटरनल सेक्स का ये है कि हमारे शरीर जो हमारा मूलाधार है जो लिंग और योनि का स्थान होता है वहाँ पे तीन नारियाँ एक जगह मिलती है ईरा पिंगला और सुषुमना तो सुषुमना नारी बीच में होती है सुनना आ, नहीं है आपने नहीं सुना ये नहीं, नहीं, सुनना भी नहीं है नारी की बात कर रहा हूँ तो वो तंत्र योग के माध्यम से हम लोग उसमें स्पंदन पैदा करते हैं और उसमें जो आनंद आता है वो दुनिया के किसी भी सेक्स में नहीं आ सकता आप आनंद लीजिए मेरे बात सुनिए हाँ। तंत्र के कारण तंत्र के जाल में आकर उड़ीसा में काफी हत्याएं होती है भारत के भी काफी पिछले जो एरिया है वहाँ पर भी ऐसा होता होगा उड़ीसा के भी कुछ जिले हैं जहाँ पर तंत्र के नाम पर हत्या हो रही है तो आप ये सब तांत्रिक जो खुद को बताते हैं आप लोग ये हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं तंत्र के नाम पर ये अंधविश्वास फैला रहे हैं आज भी गांव में लोग हॉस्पिटल नहीं जाते तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं चढ़ाते हैं ये हमारा हमने इसका कभी प्रचार नहीं किया ये जो ईसाई नक्सली लोग हैं ये जो पहले ज़बरदस्ती बंदूक के दम पर हिंदुओं को ये ईसाई बनाते हैं यदि वो ईसाई नहीं बनता है तो उसको डाइन कह के उसकी हत्या करवा देते हैं ये हिंदुओं को ईसाई बनाने का सी का षड़यंत्र है यहाँ तक कि हिंदू साधु और हिंदू तांत्रिक का वेश मान करके ये पादरी लोग ये ही आप 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 करता हूं। आप करता एक तंत्री के हिसाब से काफी जो तंत्र साधना करते हैं खुद को बड़े बड़े तांत्रिक मानते हैं उनके गुरु हो सकते हैं उनको क्या वार्ता देंगे अगर किसी का होता है, तो कोई तंत्री के पास लेना चाहिए, को। फिर को जाना चाहिए क्योंकि ये तंत्र जो है ये बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है तंत्र मोक्ष की प्राप्ति आप क्या बोले बोले जो भी लोग इस तरह का नाटक करते हैं उनके ऊपर में हमला करना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए और ये जो इस बहाने से जो ईसाईकरण हो रहा है हिंदुओं का उसका ए, उस पर रोक लगना चाहिए और इन ढोंगी ईसाइयों को पादरियों को की हत्या करनी चाहिए उसी तरह से जिस तरह से दारा सिंह ने किया कुछ तांत्रिक कह रहे हैं इंसान की बलि चढ़ाकर बहुत बड़ा साधना किया जा सकता है हम देखते हैं कुछ लोगों का बलि भी चढ़ाया जाता है वैसे जो जो लोग बलि चढ़ाते हैं और इसका या फिर उसका बढ़ावा देते हैं उसके खिलाफ क्या कहते हैं आपको कहा कि हम नरबली के बदले में हम पेठे की बलि देते हैं हम नारियल की बलि देते हैं वो वो उनको अपराध तो करते हैं कि नहीं वो अपराधी हैं उनको हत्या के जुर्म में उनको आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को जनता द्वारा भी प्रताड़ित किया जाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है ये तंत्र नहीं ये लोग ढोंगे लोग हैं इनमें से कोई तांत्रिक नहीं है ये सारे ढोंगी हैं ये ईसाई आतंकवादी लोग हैं जो ये इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं तंत्र में ऐसा कोई विधान नहीं है आपको बुरा लग सकता है लेकिन मुझे ये पूछना पड़ेगा वास्तव में आप लोग कुछ साधना करके कुछ हासिल करते हैं या फिर ऐसे जो सब आपका जो पोशाक है सब देते ये सब मतलब लोगों को सुन्ये, सुन्ये, लोगों सुन्ये। को गुमराह करने के लिए सब होता है ये वो, ये ओम जो है कुछ मंत्री थे या फिर ऐसे जो मार्केट में मिलता है ये वो है ये हमारे गुरु जी द्वारा अभिमंत्रित करके दिया गया है अब सुन लीजिए ध्यान से ये मैं मैंने जब सन्यास लिया था जब मुझे सन्यास दिया गया था पाँच वर्ष के आयु में मैं वाराणसी मिता संघ में गंगा के किनारे उसके बाद मेरे पूरे किशोरावस्था तक इतने पानी में ठंडी में मतलब जनवरी फरवरी के महीने में बिल्कुल बर्फ़ की तरह पानी गंगा नदी की और जलधारा तेज़ जिसमें आदमी कभी भी बह के मर सकता है रात रात भर गुरुजी मेरे इतने पानी में खड़ा करके रखते थे और जो जिन मंत्रों की सिद्धि करनी होती थी वो मंत्र मेरे से जब बाते थे जो तपस्याएं मैंने की वो आज के डेट में जितने भी साधु संत तांत्रिक मांत्रिक जितने भी हैं कोई कर ही नहीं सकता और चूँकि ये साधनाएँ बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कि ही किया जा सकता उसके बाद नहीं किया जा सकता क्योंकि उस वक्त आत्माभूत बिल्कुल पवित्र होती है प्रदूषित नहीं होती और उसके बाद जो ये सब साधनाएँ करने की वजह से मैंने आपको कहा कि मुझे बाक सिद्धि है मेरे मुँह से जो निकल जाता है अचानक वही हो करके रहता है आप ये देखिए कि तंत्र में ऐसा दुनिया में कोई साइंस नहीं है जो मरे हुए को ज़िंदा कर सके मैं ए, ए, सब साधना करता हूँ सब कहते हैं मुर्दा को मैं ईसाइयों का डेड बॉडी उनके कब्रिस्तान से निकालता हूँ निकालने के बाद उसके छाती पर बैठ करके मैं उसके उसकी आत्मा का आवाहन करता हूँ वो ज़िंदा हो जाता है ज़िंदा होने के बाद उस आत्मा को मैं अपने कब्जे में लेता हूँ और उसके शरीर को फिर से मैं दफना देता हूँ वो जो प्रेतात्मा आत्माओं का इस्तेमाल करता हूँ जो ग्लोबल हमारे दुश्मन है देश के वहाँ और उन्हीं आत्माओं के माध्यम से मैंने ए, ए, इंटरनेशनल कई नेताओं को मैंने मारा है मेरे यहाँ जो मारण प्रयोग है उस मारण प्रयोग में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके स्टूडियो में बैठा कभी मुझे मत मारिएगा यार तो लीजिए ना ऐसे उसके नियम है कानून है तंत्र महारनम उसके कानून बनाए हुए हैं मैं इंडिया में बैठ करके अमेरिका के राष्ट्रपति को मार सकता हूँ मैं रूस के राष्ट्रपति को मार सकता हूँ तो दारा सिंह को क्यों नहीं छुड़ा सकते देखिए दारा सिंह ने कभी भी हमको ये नहीं कहा कि गुरु आप मुझे बाहर निकालो कानून मुझे बाहर निकाल देगा और दारा सिंह को मैं अब छुड़ाने जा रहा हूँ नहीं, नहीं तो तंत्र के हिसाब से आप छुड़ा भी सकते थे बिल्कुल छुड़ा सकता था बिल्कुल छुड़ा सकता था और छुड़ाने जा रहा हूं। चूंकि अब एक मिनट सुनिए 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 दारा दारा सिंह को सरकार नहीं छोड़ना चाहती सुप्रीम कोर्ट ने एक अरंगा लगा दिया कि लाइफ कन्वे का मतलब है पूरी जिंदगी भर जेल में और मरेगा। वो हत्या है? वो वो हत्या हत्या क्या किया किया है? है। नहीं रक्षा के नाम देखिए संविधान में लिखा हुआ जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के कोर्ट में आप जाएंगे उसके सिर्फ बोर्ड लगा हुआ होता है उसमें लिखा हुआ होता है धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म धर्मेव जयते ये लिखा होता है धर्म के लिए और हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि धर्म हिंसा तथे तो विच धर्म के लिए हिंसा करना बहुत जरूरी है और इसीलिए भगवान राम ने रावण को मारा भगवान कृष्ण ने कंस को मारा महाभारत हुआ रामायण हुआ ये सिर्फ धार्मिक हिंसा के ए, एक एहसान करेंगे एक एहसान करेंगे आपको दारा सिंह जी ने मना किया है कि मैं जुडिशियल तंत्र से नहीं आना चाहता हाँ। दारा सिंह जी ने कहा? नहीं, कहा मना नहीं किया उन्होंने नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। उन्होंने पहले मुझे कहा नहीं था और अब कहा हम निकाल उनको निकल जायेंगे हमारे कुलभूषण यादव है नाम सुना होगा आपने बेचारे को पाकिस्तान ने जबरदस्ती रखा है काफी तकलीफे दे रहे हैं कुलभूषण यादव जी इंडियन उनको थोड़ा आप तंत्र मंत्र से कुछ वहाँ से ले आए अदृश्य करके यहाँ पर अदृश्य करके लाने के की जरूरत नहीं पड़ती हर एक का एक प्रोसेस है लेकिन हम जिस तो तो तरह से एक मिनट तंत्र से क्या तो 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 होता है तो, 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 नहीं, होता नहीं, तो नहीं तंत्र से होता है तंत्र और अंधविश्वास से नहीं नहीं अंधविश्वास नहीं तंत्र से होता है अभी अं� जो हरी सालवे ने ये जो जीत दिलवाई ये उनको फांसी की सजा से मुक्ति दिलवा दी आईएज जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से दावा कर लीजिए आप, तो दावा दावा आप हरी सालवे से पूछ लेना प्रधानमंत्री से पूछ शिष्य थे सुन लीजिए मैंने मिनिस्टर बनवाया था इंदिरा गांधी के कैबिनेट में तो मेरा आज से उनके साथ रिलेशन नहीं है और वो तंत्र मंत्र को मानते हैं जब इस केस को लड़ने के लिए जाने लगे तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमको आप शक्ति दीजिए हंसेंगे नहीं आप हर कब बोल दीजिए वो प्रेस में बोल दीजिए बात ऐसा? वो वो बाबा के बारे में वो भी दो लाइन उसके लिए आपको मैंने पहले कहा कि ये नियम वही शास्त्र का आदेश है मैंने उनको मना किया हुआ आपको नहीं बोलना क्योंकि शास्त्र कहता है की चुका तो बोलेंगे कैसे आप मुझे बोलने हरी सालवे को पूछ लेने के लिए

तंत्रा कैन चेंज इवन डिस्टिनी ऑल्सो भागी को बदलने की ताकत सिर्फ तंत्र में पूरे वर्ल्ड में और वो हमने कई घटनाएं करके हमने साबित किया हुआ है जैसे इंदिरा गांधी घटना बताया स्काई लेव उपग्रह की घटना बताया ये हमने चेंज किया है तंत्र के माध्यम से और ये जो कुलभूषण है कुलभूषण सही सलामत भारत आने वाले हैं और उसमें हमारे तंत्र का भी उपयोग होगा और कानूनी उपयोग भी होगा तो पाकिस्तान नाक रगड़ के राजा है कुछ नहीं, नहीं बिगाड़ सकता था कुलभूषण यादव का मैं शो को खत्म करना पड़ेगा अभी मुझे लास्ट में उड़ीसा को लेकर आपका एक भविष्यवाणी सुनना है अगर वो सच होगा तो कुछ कुछ आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है लेकिन ये तो सच है ये तो अंधविश्वास होता है तंत्र अंधविश्वास नहीं तंत्र एक साइंटिफिक क्रिया है देखिए आप 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 नहीं वो तंत्र के नाम पे नहीं होता वो ढोंग है

तो आप देखेंगे कि जो उड़ीसा पिछड़ा हुआ है जहाँ पर इतने सारे नक्सलियों और ईसाइयों की का प्रहार हो रहा है ये सब खत्म हो जाएंगे और उड़ीसा भारत के सबसे अधिक विकसित राज्यों में गिना जाएगा अभी सबसे अविकसित राज्य गिना जाता है और जो कोणार्क सिटी है वो अभी तो हम होकर गए हैं टोटली अनडेवलप्ड है रूरल एरिया जैसा लगता है जबकि वो सिटी है उसको आप देखेंगे क्वेटा शहर की तरह वो ते जापान के कोठा सर जापान के हाँ। कोठा अच्छा उसी तरह वो सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत शहर बन जाएगा भगवान तो तो मतलब तो जो 1200 कारीगर 12 वर्ष तक जिस मंदिर को बनाए आप बोले एक साल में ऐसा उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं था आज टेक्नोलॉजी है मैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी उस समय ओम बाबा भी नहीं थे वो भी बता दीजिए हाँ बता दीजिए आप तो सब बता रहे वो भी बता दीजिए सही सही बात है कुछ जोक हम भी सुन लेना था हमें भी सुन लेना ये जोक नहीं है आपको दिखेगा ओम बाबा थे बहुत चर्चित ओम बाबा तंत्र को अनेक आचंबित कथा कहू